हाय दोस्तों, आज हम लोग अपने बिल्ड सीरीज के उस टाइम पर आ गए हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। सब व्यूअर्स इसके लिए सबसे ज़्यादा वेट कर रहे होंगे, आई एम डेट श्योर। एंड बेसिकली अभी हम लोग अपना जो शावर एरिया, बाथरूम एरिया है, हम लोग उसकी टूवर्ड्स अपना काम कर रहे हैं। और ये भी हमारा सनमाइका कट हो रहा है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने तैयार कर लिया था। तीन वॉल्स खड़ी हो गई थी, मेनली डोर रह गया था और अंदर का जो हमने कवरिंग करनी थी, तो हम लोगों ने सनमाइका से सारी कवरिंग करी है। और ये 1.5 mm की थिकनेस वाली शीट है, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, स्टर्डी है और कर्व्स पे भी ईजिली लग जाती है थोड़ी सी कलाकारी करने के बाद। हम लोगों को इतनी मोटी शीट किसी कर्वी एरिया में लगानी हो या बेंड जा रहे हो, तो इसको गीला करके सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी होता है लचक लाने के लिए। थिकनेस का लगे उसको प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, और हमारी ये बहुत कर्वी जगह थी तो काफ़ी देर लगी। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा हमें लग गया था इसको सेट करने में। तो अलग अलग फ्रेम बार्स यूज़ करके हमने पूरी तरह शीट को दबा के रखा, हर बार जोन सी भी साइड का लगाते हुए उसको प्रेस करते हुए साथ साथ। हम लोगों ने जो हमारी ड्राइवर साइड वाली वॉल थी बाथरूम की, हमने उसको भी पाइन से कवर कर लिया था। और उसको पाइन से कवर करने के बाद हम लोग पीछे जो हमारा रेयर बेड है उसकी हम लोग फिटिंग, जो हमने टेबल लगानी थी और उसकी जो हमने फिटिंग लगाई हुई थी इम्पोर्टेड, हम उसको यू नो सॉर्ट आउट करने में लगे कि भाई ये कैसे काम करती है और इसको हम किस तरीके से करेंगे। तैयारी करी अपने पार्टीशन की, जो कि हमारे बाथरूम का एक हिस्सा बनना था और एक हमारा पीस था जो कि हमारा डोर बनना था। एंड हम लोगों ने बिल्कुल नॉर्मल जैसे घर का डोर होता है, जस्ट यू नो हैंड लॉक के साथ, हम लोगों ने वो इंस्टॉल करा और उसको हमने कर्व डिज़ाइन दिया। तो ये हमारा पार्टीशन लगना था एक साइड पे और इसी के साथ हमारा डोर आना था। और जो नीचे का हमने जो फ्लोर है उस पर हमने पीवीसी फ्लोरिंग यूज़ करी थी, और उसके नीचे हम लोगों का जो जो वाटरप्रूफिंग है वो हम लोगों ने एक रबराइज कंपाउंड आता है उससे, और फाइबर ग्लास की टेप से जो एजेस, कॉर्नर, जो भी सील पॉइंट्स होते हैं उन सबको हमने अच्छे से सील कर दिया, कहीं से भी लीकेज ना हो, सीपेज ना हो। स्वेज का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने अंदर भी टॉयलेटरीज के लिए शेल्स बनाई थी। जो दो खाने आपको नज़र आ रहे हैं, दो शेल्स हैं कंपार्टमेंट टाइप्स, इसमें आप इजीली अपना टॉयलेटरीज का सामान स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारे जो बाथरूम का डोर है उसको हमने एजेस पे कर्व दिए थे, राउंड एजेस कर दिए थे।
कभी भी हम बाथरूम का डोर या कोई भी इस तरह का डोर बना रहे हैं जहाँ से हमें पता है कि कभी भी थोड़ी बहुत भी एक बाथरूम की अपनी पर्टिकुलर स्मेल होती है तो वो बाहर ना है, उसके लिए हम लोगों को रबड़ सील्स यूज़ करने बहुत ज़रूरी है। एंड ये दोनों तरफ यूज़ होते हैं, आपने जो चौखट बनाई है उस पर भी और जो आपने दरवाज़ा बनाया है उस पर भी, तभी ये काम करती है। अदरवाइज अगर आप एक ही तरफ लगाएंगे तो ये कभी भी काम नहीं करेंगी। जैसे ही हम लोगों ने फिटिंग चेक करी दरवाजे की और हम लोग सेटिस्फाइड थे उससे, हम लोगों ने रबड़ सील लगा के भी पूरी तसल्ली कर ली थी। हम लोगों ने उसके बाद इसके अंदर 3 पॉइंट्स पे कब्जे लगाए क्योंकि एक बड़ा दरवाज़ा था प्रॉपर, तो 3 कब्जे लगाने से ये कि उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है, कल को गाड़ी चलती है, इतना बड़ा दरवाज़ा है, वेट है, तो 3 लगने बेटर रहते हैं बजाय 2 के। And it was time to install the bathroom door and बहुत excited था मैं कि finally पूरी जो imagination थी, जो मेरी drawings थी, layouts थे, तो वो सब अपनी अपनी जगह ले रहे थे। बहुत खुश था मैं जब ये सब हो रहा था मेरे सामने। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने बाहर का भी पूरा जो पार्टीशन था, कवरिंग जो बाथरूम का था, जो भी हमारा एरिया रह गया था पाइन से अनकवर्ड, उसको हमने पाइन से पूरा का पूरा कवर करके और तैयार कर दिया था ताकि पेंटर उस पर सैंडिंग कर सके और दूसरा पेंटर उसके ऊपर जो हमने सील करा है, वाटर सील एक केमिकल आता है उससे, ताकि इसका कलर जो है वो एग्जैक्टली जो पाइन का होता है वही रहे। जितने भी बचे हुए पार्ट्स थे, बुक शेल्फ, स्पीकर का जो स्टैंड एरिया शेल्फ था, हमने सब कुछ कवर करना स्टार्ट कर दिया एंड बहुत प्यारी लुक आनी शुरू हो गई धीरे धीरे जब नीचे की वुड जो है वो पाइन से कवर होनी स्टार्ट हुई। एंड साथ में ही हम लोगों का विद इन दैट वीक हमारा जो डैशबोर्ड था वो रेडी होके आ गया था, दो इट वॉज नॉट पेंटेड येट, तो हम लोगों ने पूरा उसका अच्छे से ब्लोअर से क्लीनिंग वगैरह करके एंड उसको इंस्टॉल कर दिया था। इस टाइम पर हम लोगों ने एसी वेंट्स को नहीं इंस्टॉल किया था, उसका रीज़न ये था कि अभी इस पर पेंट होना बाकी था, फिनिशिंग टचेस रहती थी। इस टाइम पे मज़ा भी बहुत आ रहा था लेकिन मेरे लिए हेक्टिक भी होता जा रहा था क्योंकि जब सारी लेबर इकट्ठे लगी होती है तो एंड ऑफ द डे तक आपका जो दिमाग है वो एग्जॉस्ट हो जाता है काफ़ी हद तक, क्योंकि किसी का कभी सामान लेकर आना है, कभी किसी को कोई इशू है तो उसको सॉल्व करना है। एंड साथ साथ हम लोग अपनी कारपेंटर साहब को चाल देते गए, जो जो डिज़ाइंस थे उनको हम लोग बताते गए एंड वो बनाते गए, इंस्टॉल होते गए साथ के साथ, ताकि पेंटर उसको फिनिश भी कर पाए, क्योंकि बाकी गाड़ी का काम चल रहा था तो हमें था कि कुछ भी गैप ना आए दोनों काम के बीच में, दोनों की चाल के बीच में। अभी ये हम लोगों की बुक शेल्फ का जो डिज़ाइन है ये वो तैयार हो रहा है, जो उसको होल्ड करेगा हमारी बुक्स को शेल्फ के अंदर। सीलर लगने के बाद जब हमने लाइट ऑन करी रात को, तो रात को इसका एक्चुअल इफेक्ट जो है, शाइन जो थी उसका लस्टर, वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा था लाइट में। मैंने 8 या 9 अलग अलग हैंडल्स मंगाए थे कैबिनेट्स के, ड्रॉर्स के, लेकिन किसी भी उसमें हमें मज़ा नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा जब हम सारा ही काम वुड का कर रहे हैं पाइन का तो हम हैंडल भी अंदर तैयार कर लेते हैं। तो कारपेंटर साहब लग गए हमारे हैंडल बनाने में और
दो दिन या ढाई दिन लगे और हमारे सारे ही हैंडल तैयार हो गए एंड हम लोगों ने उन हैंडल्स को इंस्टॉल कर दिए और बहुत अच्छे और बहुत प्यारे लग रहे थे. होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है एंड प्लस एस्थेटिक लुक तो है ही है. आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखा भी रही होगी और मोटिवेटेड भी रख रही होगी और अगर ऐसा है तो आई वुड अगेन से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.